नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिस पे आप अनलिमिटेड पोस्ट क्रिएट कर सकते हो और साथ ही में उसी वेबसाइट के ऊपर आप अनलिमिटेड बैकलिंक भी क्रिएट कर सकते हो। तो अगर बात करें उस वेबसाइट के ट्रैफिक की तो आप देख लीजिए 4.5 मिलियन के करीब इसका ट्रैफिक है। मंथली ट्रैफिक इसका 1.5 मिलियन के आसपास है और इसका ट्रैफिक बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर बात करें इसके ट्रैफिक कंट्री की तो सबसे ज्यादा यूएस से इसका ट्रैफिक आ रहा है। डीएपी अगर इसका चेक करें तो इसका 64 का तो डीए है और पीए 60 का है। टोटल बैकलिंक 1 मिलियन के करीब है और ये 25 साल पुरानी वेबसाइट है। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि जो वेबसाइट 25 साल पुरानी है तो ट्रस्टेड तो होगी। तो इस वेबसाइट का नाम है parler.com, parler.com। आप इसका नाम ध्यान से देख लीजिएगा। तो सिंपली आप इसको अगर गूगल के अंदर सर्च करोगे तो आपको पहला लिंक ये मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन होगी। आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हो या बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो तो आपको प्रोफाइल तो इसके ऊपर क्रिएट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पोस्ट के लिए भी क्रिएट करनी पड़ेगी और बैकलिंक की भी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे ये ईमेल और फोन नंबर मांगेगा, आप अपनी ईमेल और फोन नंबर दे दीजिएगा। डिस्प्ले नेम मांगेगा, यहाँ पे नाम दे दीजिएगा कोई भी और यूजर नेम क्रिएट कर लीजिएगा। इसके ऊपर आप टिक कर दीजिएगा और सिंपली यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। तो मैंने यहाँ पे बैकलिंक पहले से एक बनाया हुआ है, आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से बैकलिंक क्रिएट करता है। आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल का आइकन शो कर रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक बैकलिंक क्रिएट हुआ है। बैकलिंक बनाने के लिए आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे वेबसाइट है इस पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। वेबसाइट का लिंक पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो आपका ये एक बैकलिंक बन गया होगा। बैकलिंक देखने के लिए आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट हो गया है। इसी प्रकार अगर इस पे बात करें कि पोस्ट क्रिएट कैसे करते हैं तो मैंने अभी एक पोस्ट क्रिएट किया है। इसके ऊपर लमसम 41 मिनट हो गया पोस्ट के हो गए, उसपे 13 व्यू भी आ गए हैं। तो आप फीड पे क्लिक करोगे, फीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको अपने किसी भी आर्टिकल को लेके पोस्ट करना है या कुछ भी अपनी वेबसाइट के लिए पोस्ट करना है जिससे आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिल सके, तो आपके पास इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपनी कोई भी आर्टिकल का टाइटल कॉपी कर लेना है। टाइटल कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंटर करके, और इस जो भी आर्टिकल का आपका लिंक होगा उस लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सीधा पोस्ट करना है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे ये जो भी मैंने पोस्ट की थी वो पोस्ट हो चुकी है, 7 सेकंड पहले दिखा रहा है। तो इस प्रकार आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अनलिमिटेड ट्रैफिक ला सकते हैं और साथ ही में इसी वेबसाइट के ऊपर आप अनलिमिटेड बैकलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं।